हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश मशीन पे। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि कल के मार्केट पे हमें किस तरीके से काम करना है। आज हमने देखा कि मार्केट पे थोड़ी बहुत करेक्शन आई। हमने देखा था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरीके से बिल्कुल हमने एक बढ़ते हुए देखा था। हमने देखा था बिल्कुल सीधे बढ़ा था। 2 दिन से हम देख रहे थे कि ये बैंक निफ्टी और निफ्टी हम देख रहे हैं, इंडेक्सेस बढ़ रहे थे। सो गाइस, अब हमें किस तरीके से उसमें ट्रेड लेना था। सो मैंने आपको अपने कल के वीडियो पर बताया था कि मार्केट अब यहाँ से बढ़ेगा जब ये अपना जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर निकलेगा, यानी कि जो कल का जो हाई था अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता तो हम अपनी बाय पोजीशन बनाते, वरना अब हम अपनी शॉर्ट पोजीशन बनानी थी। और शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद हमें कहाँ पर बुक करना था और कहाँ से हमें दोबारा बाय पोजीशन बनानी थी, वो भी मैंने आपको बताया था, आपको मैंने लेवल्स भी दिए थे। सो गाइस, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करा होगा तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स भी प्रॉफिट पर आए। आज बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड करा और गाइज हमने, मैं भी खुद बैंक निफ्टी पे प्रॉफिट पे रहा हूँ, वो भी शॉर्ट करा नहीं मैंने और बाय करके मैं प्रॉफिट पे रहा हूँ। गाइज बाय करके कैसे प्रॉफिट में रहा हूँ मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। अब किस तरीके से क्या लेवल्स हैं जो अब आपको मैं दिखा दूँ, वो लेवल्स तक वहाँ पर रीच कर सकता है। और जो हमने देखा था कि मार्केट में जो हम उछाल गिरावट देख रहे थे, वो जिस लेवल से हमने बाय करा है, जो मार्केट का आज लो था बैंक निफ्टी का, मैं आपको बताऊँ उस लेवल से हमने बाय करा है, और किस लेवल पे जाके हमने एग्जिट करा है, वो भी बिल्कुल आज का मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, निफ्टी बैंक निफ्टी के हम चार्ट्स के एनालिसिस में जाए और स्टडी करें, उससे पहले मैं आपको बता दूंगा गाइस, 5 स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, L&T इन्फोटेक, GNFC, एक्सिस बैंक, MGL और TCS। ये 5 स्टॉक जैकपॉट स्टॉक्स हैं जो कल इंट्राडे पे आपको पैसा कमवा सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं L&T इन्फोटेक की, जिसे हम कहते हैं LTI। सो गाइस, LTI पे हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम से गिरावट आ रही है मार्केट में। हमने जब 2 दिन से लगातार मूवमेंट देख रहे थे, मार्केट इतनी ऊपर गई थी गाइस, L&T इन्फोटेक एक ऐसा स्टॉक था जो नीचे गिर रहा था। आज हमने मार्केट में एक गिरावट देखी और इस पर्टिकुलर स्टॉक पे गैप अप ओपनिंग हुई। एक हमने देखा था कि ये 30 रुपये अराउंड समथिंग ऊपर खुला था, वहीं ट्रेड करते रहा गाइस, और उसके बाद आखिरी में जाके ये नीचे ही बंद हुआ, लो पे जाके ही अपना बंद हुआ। सो गाइस, अभी ये और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। इस पर्टिकुलर का हम मान के चले तो 1440 के आसपास एक सपोर्ट है, वहाँ से मुझे लगता है कि वहाँ तक एक गिरावट की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से एक बाउंस आएगा और वहाँ पर फिर हम एक फ्रेश बाय LTI पे बना सकते हैं। सो गाइस, LTI को मैं एक शॉर्ट की सलाह रखूंगा। 1474 इसका करंट मार्केट प्राइस है, 1483 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना गाइस, 1467 और 1445 मैं अपने टारगेट्स लेकर चल रहा हूँ L&T इन्फोटेक के अंदर। GNFC की बात करें तो GNFC एक पर्टिकुलर बहुत अच्छा स्टॉक है। आज इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया है, 85 के लेवल्स के आसपास हमने देखा, उस पर ही क्लोजिंग दिया है। सो सजेशन आपको ये दिया जाएगा, 85.5 के ऊपर निकले तो अपनी बाय पोजीशन बनाइए, वेट करिए जब उसके ऊपर निकलता है तो ही अपनी बाय पोजीशन बनाइए। 88-91 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं गाइस, स्टॉप लॉस आपको 83 का क्लोजिंग बेसिस के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एक्सिस बैंक बाय करने की सलाह दी जाएगी, एक भी मेरा बहुत बढ़िया काउंटर है, मैंने आपके लिए अभी वीडियो भी बनाई थी एक्सिस बैंक के अंदर। सो मैंने आपको बताया था कि आपको 700 रुपये के या 690 के आसपास अगर आपको इस लेवल पे कभी भी मिल जाए तो एक्सिस बैंक पे एक बाय पोजीशन ज़रूर बनाइएगा। सो गाइस, 702 इसका करंट मार्केट प्राइस है, मैं अभी भी बाय करने की सलाह दूंगा। 694 का इंट्राडे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, 708-715 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं। और गाइज, अगर ये 708 के ऊपर कल बंद हो जाता है या 708 के ऊपर निकल भी जाता है, सो इंट्राडे पे भी हम अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं जो 715 के लेवल को भी शायद तोड़ दे। तो 708 एक क्रूशियल लेवल है, तो आपको सजेशन यही दिया जाएगा, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं मार्केट ओपन होते हुए भी इसे बाय कर सकते हैं, जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 708 के ऊपर ही बात करें बाय करिए, यानी कि 708 के ऊपर अपने बाय पोजिशन बनाइए। वेट गाइज, मैं आपको चार्ट में हमेशा बता चुका हूँ, हर स्टॉक में आपको देता हूँ, जिस लेवल से मैं आपको बाय बोल रहा हूँ उस लेवल का मतलब ये है कि उस लेवल के ऊपर कम से कम 5 मिनट सस्टेन करना चाहिए। आप 5 मिनट का चार्ट ओपन करके देख लीजिए, पर 5 मिनट इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और अगली जो कैंडल बनती है वो अगर उसके ऊपर बनती है ग्रीन कैंडल, और वॉल्यूम हम देख रहे हैं हल्के से भी पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहे हैं, बाय पोजिशन बनाइए, आप डेफिनेटली अपने टारगेट तक पहुँचेंगे और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल भी मीट नहीं होगा। गाइस, 4th है MGL, ये भी एक मेरा बेस्ट काउंटर है, ये मुझे अभी थोड़ी बहुत और डिप दे जाए। आज इसने जो मार्केट में डिप दी थी वो 889 के आसपास दी थी। सो गाइस, मैं चाहता हूँ अगर ये 875 या 880 के आसपास कभी भी मिल जाए आपको,
तुरंत बाय पोजीशन बनाइए क्योंकि ये ब्रेकआउट स्टॉक है, और अगर आपको 875 के पास कभी भी मिल जाएगा इस, तो बाय पोजीशन बनाइए। अगले महीने की एक्सपायरी की कॉल ऑप्शन भी उठा सकते हो, मुझे लगता है कि ये 950 से 960 तक के टारगेट आराम से दिखा देगा। गाइज अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होते हैं तो वहाँ पर मैंने MGL जब 905 रुपये का क्रॉस करा था तो मैंने अपना बाय टारगेट दिया था फॉर अ टारगेट ऑफ 950, और जो कल इंट्राडे पे इसने हाई मारा था वो हाई मारा था गाइज, या आज या कल मारा था उसका जो हाई था वो हाई था गाइज 941 का। तो यानी कि आप देख सकते हैं 40 रुपये तक की मूवमेंट मैंने आपको आराम से करवा दी थी अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू, और ये अभी भी काउंटर बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी बहुत डिप दे रहा है क्योंकि हमें बाय करने का एक बार मौका नहीं मिल पाया था जो ट्रेडर्स होंगे। सो 875 900, ये 25 रुपये के डिफरेंस पे आपको कभी भी स्टॉक मिल जाए उठा लीजिए इसे। सो अभी भी मेरा बाय काउंटर फॉर द टारगेट ऑफ 950 921, स्टॉप लॉस 898 का आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लास्ट आते हैं हम TCS पे। सो गाइस TCS हमारा एक बाय काउंटर है, हमने देखा था कि मार्केट IT सेक्टर पे जब मार्केट इतनी ऊपर बढ़ रही थी तो IT सेक्टर वीक काउंटर था, पर आज हमने इसमें मूवमेंट देखने को मिली है। गाइस मूवमेंट पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा पर्टिकुलर थीम थी वो मेरा ये था कि 2000 पे हमने अपनी कॉल भी बाय करवाई थी इस पर्टिकुलर TCS पे, जब कल मार्केट में ये गिरा था तो हमने 2000 की कॉल भी बाय करवाई थी जब 2000 के नीचे गया था। सो हमने देखा था कि ये 2000 के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी, और क्योंकि ये काउंटर बहुत अच्छा है, और अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे गाइज, मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 5 महीने पहले इसकी जो गिरावट थी वो गिरावट अराउंड थी 2000 और 1990 के आसपास, वहाँ तक पर्टिकुलर स्टॉक कल गया था, उससे थोड़ा बहुत नीचे गया था पर उसके ऊपर जाके बंद हो गया, यानी कि हम देख सकते हैं एक शैडो छोड़ी थी। और जो आगे के 4 महीने थे, जो आगे के सॉरी 3 महीने थे, 3 महीने ऊपर की रेंज में ये पर्टिकुलर स्टॉक कंसोलिडेट करते रहे, और आज हमने फिर इस महीने में गिरावट देखी है। सो गिरावट ने उसको कवर अप कर लिया गया है। सो गाइस 2040 का एक अहम लेवल था और 2060 का एक अहम लेवल है। आपको TCS में बता दूं 2040 के आसपास अगर आपको मिले, 2040-2035 के आसपास मिले, बाय पोजीशन बनाइए फॉर अ टारगेट ऑफ 260, और 260 के ऊपर अगर 2 दिन की ये डेफिनेटली क्लोजिंग दे देते, डिसाइसिवली अगर ये क्लोजिंग दे देगा 260 के ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 2100 रुपये से ऊपर भी है। सो कल इंट्राडे पे 260 से मैं 1 रुपये नीचे आपका टारगेट दे रहा हूँ, और 2072 का आपको टारगेट दे रहा हूँ, 2030 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब गाइस हम बढ़ते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या कॉल्स दी और मैंने खुद क्या क्या कॉल्स परस्यू करी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस देख सकते हैं कि मैंने आधा घंटे का चार्ट ओपन करा हुआ है, 30 मिनट्स का मेरा चार्ट ओपन है, और 30 मिनट्स के चार्ट पर मैंने एक ये रेंज बना के है। आप देख सकते हैं 2 नीचे सपोर्ट और 2 ऊपर रेजिस्टेंस, ये मेरी रेंज है। सो गाइस अब इस रेंज में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, उस पर सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ, 30 मिनट चार्ट में हमें एक MACD पे एक क्रॉसओवर या एक रिवर्सल का साइन देखने को मिल रहा है। सो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अभी जो मेरा ट्रेंड था वो बुलिश ट्रेंड था, और ये आप देख सकते हैं जो हमने देखी थी, ये जो रेड बार्स बनती हुई आ रही थी, रेड बार्स आखिरी कब बनी है 11:45 पे, और नेक्स्ट बार जो बनी है 12:15 पे, जो आधे घंटे बाद वो बनी है, वो ग्रीन बनी है बार। सो यानी कि यहाँ से जो एक रिवर्सल का साइन हमें देखने को मिल गया था, अब वो मैं आपको कैसे दिखाता हूँ गाइस। अब आप देखिएगा गाइस कि किस तरीके से हम काम करते हैं, ये पर्टिकुलर रेंज है, रेंज जो हमने देखा मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के बाद एग्जैक्ट इस जो ऊपर की रेजिस्टेंस थी उसको हाई मारा, वहाँ शैडो छोड़ी, और उसके बाद हमें गिरावट देखते रहे, गिरावट आई और यहाँ पर गिरावट आ गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, यहाँ पर एग्जैक्ट गाइस इस लेवल पे, ये जो लो है इसी लेवल पे, यानी कि 29,920 पे के ऊपर जैसे ही निकला है, हमने देखा कि इसने जो लो मारा है वो मारा है 29,900 का, और जैसे ही 29,920 के ऊपर निकला गाइस, उसके ऊपर हमने अपने कॉल ऑप्शन के थ्रू एक बाय पोजीशन बना ली, वो भी हमने जो कॉल ऑप्शन ली थी वो गाइस हमने ली थी अराउंड 30,200 की कॉल ऑप्शन ली थी 300 रुपीज़ पे, जो सेफ ट्रेडर्स थे गाइज उन्हें हमने 340-360 पे एग्जिट करवाया, और जो रिस्की ट्रेडर्स और जो मैं खुद था गाइज हम लोगों ने 400 पे एग्जिट करा, यानी कि हमने 300 रुपये की कॉल ली और 400 रुपये पे एग्जिट करा। अब यहाँ पर मैंने क्यों बाय करा गाइज, सबसे पहली बात एक
इसका यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट, इधर सपोर्ट हमें देखने को मिला। सो इसका जो हम मान के चल सकते हैं जो प्रीवियस जो दिन थे दो, उसका हमें एक गैप अप ओपनिंग जो हुई थी, आप देख सकते हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, उस गैप अप ओपनिंग का मैंने एक नीचे सपोर्ट लिया है जहाँ से इसने गैप अप ओपनिंग दी थी, जो उसका लो था कल का और आज का हमने जो देखा था। दूसरी बात, अब आप देख सकते हैं जब भी आप मैकडी को देखेंगे, ज़्यादातर अगर हम निफ्टी में देखें, सो ये 6 बार बनाता है फिर 6 बार बनाता है, यानी कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7, आप 6 या 7 तो बनाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसने 6-7 बनाई, पर्टिकुलर स्टॉक नीचे गिरा, उसके बाद उसने नीचे की तरफ तोड़ा और यहाँ पर 6 बार बनाई, हमने देखा यहाँ पर आज के दिन गिरावट आई। 6 बार बनाने के बाद हमने देखा कि दोबारा अब हमें एक बाय सिग्नल लेना था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहता हूँ? 6 बार आप इसका मतलब ये समझिए कि ये देख रहे हैं आप मिड, ये आपको जो लाइन दिख रही है यानी कि 12 बजे, 12 बजे से पहले पहले हमने गिरावट देखी और अगले सेशन में जो आज का जो दूसरा सेशन था आफ्टरनून सेशन, उस पर हमने क्या देखा है, बुलिश हमने देखा है कि दोबारा एक 6 या 7 कैंडल्स बनी ग्रीन। सो मतलब मैं समझ गया था कि यहाँ पर एक रिवर्सल साइन है, यहाँ पर हमें एक बाय पोजीशन बना लेनी चाहिए। यहाँ पर बाय पोजीशन बनाने लेने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या टारगेट्स रहे और अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। सबसे पहले मैं वीकली चार्ट ओपन करके जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आपको दिख रहे हैं वो मैं हटा देता हूँ। अभी आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं गाइस किस तरीके से रिवर्स कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देख सकते हैं, 6 या 7 अब रिवर्स कर रहा है, अब ये रिवर्स करेगा यहाँ से और ऊपर की तरफ ये बार्स बनेंगे और ये रिवर्स क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको वीकली चार्ट में और बता देता हूँ, जो मैंने आपका सपोर्ट बनाया है, ये देख सकते हैं जो मैंने सपोर्ट बनाया है, ये एग्जैक्ट सपोर्ट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि दिखा रहा है 29,000 यानी कि 29,800 का लेवल। मेरे पास 2-3 लोगों के फ़ोन्स भी आए तो भी मैंने उन्हें यही बताया, मैंने अपने चार्ट्स भी शेयर करे हर जगह और उन्हें बताया कि 29,800 का एक सपोर्ट है, वहाँ तक पर्टिकुलर एक बार हम जा सकते हैं कि टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। सो आप देख सकते हैं मैं अब यहाँ पर अपना जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है वो हटा देता हूँ क्योंकि मैं कोई और फिबोनाची बनाने वाला। सो अब हम बढ़ते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे और अर्ली वापस 30 मिनट्स चार्ट में हम आ जाते हैं। अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जी गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ऊपर से लेके गाइस मैंने जो ऊपर जो मेरा रेजिस्टेंस था और जो नीचे मेरा सपोर्ट था, ये रेंज का मैंने एक चैनल, जो आप ये चैनल देख रहे हैं चैनल का मैंने एक पर्टिकुलर फिबोनाची ले लिया। अब फिबोनाची से जो मेरे लेवल निकल के आ रहे हैं वो लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं अब आप देखिएगा गाइस। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बाय करा, पहला जो मेरा टारगेट गया वो टारगेट कहाँ गया, 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि दिखा रहा है 30,255 यानी कि 30,255 का जो मेरा पहला टारगेट था वो अचीव हो गया। यहाँ पर जब हम आ रहे पोजिशन पहुँची 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे, तो मैंने अपने बुक कर लिया, मैंने जो मुझे 100 पॉइंट्स या मुझे जो 150 पॉइंट्स मैंने अराउंड 420 के आसपास एग्जिट करा था, जो मुझे मिले वो मैंने अपने पॉइंट्स को एग्जिट कर लिया, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। क्यों ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि गाइज मुझे लगता था एक बार ये दोबारा डिप देगा और दोबारा जब ये डिप देगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास तब हम अपनी एक बाय पोजीशन बनाएंगे, यानी कि अगर ये 29,900 के आसपास भी डिप नहीं देता, अगर ये दोबारा 30,000 के आसपास भी एक बार डिप देता है तो भी मैं अपनी एक बाय पोजीशन इसमें इनिशिएट कर दूंगा। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ से पर्टिकुलर 30,255 से ये स्टॉक नीचे आया नीचे आया नीचे आया और हमने देखा ये मुझे फिर से 29,000 का लेवल जो था उसे तोड़ दिया और 29,956 का लो मारा। जैसे ही ये इसके ऊपर निकला, जैसे ही इसके ऊपर निकला मैंने अपनी एक बाय पोजीशन बना ली 30,000 पे। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं गाइस, मैं आपको ट्रेंड लाइन बनाता हूँ और उस पर आपको देखिएगा कैसे मैंने आपको 30,000 का लेवल बोला। ये देखिए, ये रहा 30,000 का लेवल, ये देखिए गाइस कैसे इस पर्टिकुलर 30,000 के लेवल पे इस बड़ी जो कैंडल बनी है आधे घंटे की, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और वहाँ पर जाके मैंने अपनी बाय पोजीशन बनाई, वो भी किस प्ले 30,500 की कॉल ऑप्शन पे जो कि 170 रुपीज़ के आसपास चल रही थी और 289 पे या 290 के आसपास मैंने उस पर्टिकुलर स्टॉक को एग्जिट करा या पर्टिकुलर कॉल को एग्जिट करा। सो आप समझ सकते हैं मैंने पर्टिकुलर 30,200 की कॉल में भी 100 रुपये 150 रुपये का पैसा कमाया पॉइंट्स और पर्टिकुलरली उस पर भी मैंने पैसा कमाया।
अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और मैंने अपनी पोजीशन को कब स्क्वायर ऑफ करा गाइज, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पहला टारगेट जब हमारा यहाँ पर मीट हो गया 255 का, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट था जो कि था 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि था 30,370 का लेवल। इसके आसपास हमें मिला तो मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, वो जो गाइस 289 पे जो मैंने बुक करा था वो 330 तक भी गया था गाइस, क्योंकि आप देख सकते हैं वो यहाँ तक 30,400 को क्रॉस करा था, तो 330 तक भी गया था, तो भी कोई बात नहीं, जो मेरे टारगेट्स था मैंने वहाँ पर मीट कर लिया। और आखिरी में जाके इसके नीचे बंद हुआ, वो आप देख सकते हैं गाइस 61 के ऊपर बंद नहीं हुआ, 61 के नीचे ही बंद हुआ, और फिर हमने गिरावट देखी और गिरावट में सपोर्ट लिया 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे। अब गाइस दूसरी बात, अब हमें क्या ट्रेड करना और किस तरीके से ट्रेड करना है मैं आपको बता देता हूँ, कल के हमारे क्या टारगेट्स हैं क्या सब कुछ है। सबसे पहले बात, 30,150 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आपकी 30,160 के आसपास है। 30,100 का लेवल अगर आर्ली चार्ट में तोड़ता है, सॉरी 30 मिनट्स का चार्ट में तोड़ता है अगर 30,100 का लेवल, मैं आपको वापस बता देता हूँ, 30 मिनट्स चार्ट्स में रेड कैंडल के साथ आर्ली 30 मिनट चार्ट में रेड कैंडल के साथ अगर 30,100 का लेवल तोड़ता है आपको एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी है। शॉर्ट पोजीशन का जो टारगेट होगा गाइस, वो टारगेट होगा पहला टारगेट 29,900 और सेकंड टारगेट होगा 29,800 और लास्ट टारगेट जो हमारा होना चाहिए गाइस, जो लास्ट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 29,780 का टारगेट, 770 का, यानी कि कोई आपका लास्ट टारगेट नहीं है। दो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, 30,100 का लेवल अगर 30 मिनट चार्ट में रेड कैंडल के साथ तोड़े तो आपका सबसे पहला टारगेट होगा 29,900 और जो आपका सेकंड टारगेट होगा वो सेकंड टारगेट होगा 29,770 का लेवल। नोट कर लीजिए अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप दोबारा भूल जाएंगे सो गाइज मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ में। दूसरी बात, बाय पोजिशन कब बनानी है। बाय पोजीशन आपको बनानी है जब ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल यानी कि 30,250 के ऊपर निकलेगा, 30,250 के ऊपर निकले बाय पोजीशन बनाइए। उसका जो टारगेट होना चाहिए वो आपका टारगेट होना चाहिए 30,370, यानी कि आपको बाय पोजीशन कब बनानी है 30,250 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट जो होगा 30,370 होगा, 370 में आपको अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है और उसके बाद अगर उसके ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ 30 मिनट्स चार्ट्स में अगर वो क्लोज कर देता है और अगर हम देखते हैं उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, दो दो कैंडल हम देखते हैं यानी कि आर्ली एक घंटे तक अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो नेक्स्ट टारगेट होगा 30,660 या 670 का लेवल और लास्ट जो उसका डे यस्टरडे जो उसका हाई था 30,750 का लेवल। समझ गए गाइस किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आपको 30,100 के नीचे मिले तो ये आपके टारगेट्स है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर मेंटेन करना है और अगर ये आपको इसके ऊपर मिलता है तो आपको स्टॉप लॉस ये मेंटेन करना है। टारगेट आपका पहला ये होगा और दूसरा टारगेट इसके ऊपर सस्टेन कर दे तो ये और ये होगा गाइस। आपको बैंक निफ्टी में बता दिए, निफ्टी पे मैं आपको कोई सलाह नहीं देने वाला हूँ, बैंक निफ्टी पे ही आपको जो लेना है वो ट्रेड लेना है। मैं आपको निफ्टी का चार्ट तब भी बता देता हूँ, बैंक निफ्टी पे अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है और क्या दिखा रहा है। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का हमने एक ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट देखने के बाद हमने ये जो ब्रेकआउट देखा वो अराउंड ब्रेकआउट आया है 11,775 के आसपास या 550 के आसपास हमने एक ब्रेकआउट देखा। ब्रेकआउट देखने के बाद हमने एक बार हमें देखा कि एक बार इसने एक ड्रॉप दिखाया, ड्रॉप दिखाने के बाद यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, हमें एक बार बाय की अपॉर्चुनिटी दी, कहाँ पर 11,775 पे एक बार हमें बाय की अपॉर्चुनिटी दी और उसके ऊपर जाके अभी इसने बंद करा, यानी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अभी इसने क्लोजिंग दिया, हम इसे एक ब्रेकआउट सिग्नल मान सकते हैं। दूसरी बात, अब जब तक ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन या इस पैटर्न के अंदर नहीं आती है तो तब तक हमें इस पे अपनी कोई पोजीशन नहीं लेनी है, यानी कि अब आपको जब मार्केट कल नीचे गिर रही हो तब आपको शॉर्ट पोजीशन कब इनिशिएट करनी है, जब ये 11,540 के नीचे जाती है शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 11,500 और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए गाइस वो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 11,475। ठीक है गाइस, 11,540 के नीचे निकले तो 11,500 11,475 ये आपके टारगेट्स होंगे। दूसरी बात, अगर ये अपना हाई तोड़ देती है यानी कि कल अगर ये आपको 11,620 के ऊपर मिलती है, ये आप देख सकते हैं जो बॉडीज दो बनी हुई है, ये अगर आपको कल 11,620 के ऊपर मिलती है तो आप अपनी एक बाय पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 11,660
और नेक्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 11,700 का टारगेट, ठीक है गाइस, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 11,700 का टारगेट अगर इस 620 का लेवल तोड़ती है। कल 30 मिनट चार्ट में तोड़ने का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आपको दोनों तरीके से मैंने टारगेट स्टॉप लॉस बता दिए और किस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है। सो गाइस, उसके बाद मैं आपको अपना ऑर्डर में लेकर चले जाता हूँ, उस पर भी आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको क्या बताने वाला था कि 170 पे लेके 270 पे मैंने एग्जिट करा, किस तरीके से हमने ट्रेड करा। सो गाइस, ऐसे बहुत से मेरे क्लाइंट्स ने ट्रेड करा है। जो अभी हमने एक स्कीम निकाली है कि जिसपे 6,000 रुपीज़ पर 2 for 2 months के हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसमें हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली 10 पीपल के बैचेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और वो बैच हर 3 हफ्ते पे हम या हर 2 हफ्ते के बाद बाद स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अभी हमने जो स्कीम निकाली है आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी मेरे से बात करने की डिटेल्स मिल जाएंगी। सो इसी के साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए गाइस, और अगर आपको ये मेरे चैनल पसंद आया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे पसंद आई है, और जो मैंने आपको लेवल्स बताया वो आपको लेवल्स पसंद में आए, और जो गाइस जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं जो साथ में साइड मेरे क्लाइंट्स हैं, अगर उन लोगों ने ट्रेड लिया हो तो गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा उन्हें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। और कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड स्टॉक मार्केट, सो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए मैसेज अपना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ, और मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।